हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरोस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे निकॉन के Z5 मिररलेस कैमरा के बारे में। ये जो कि फुल फ्रेम कैमरा है, ये निकॉन का है। इसके अंदर आपको 2170 का जूम मिलेगा लेंस, और ये यहाँ से 2170 तक जूम करता है। और इस कैमरे के अंदर मैनुअल मोड, ऑटो मोड और U3, U2, U1, A5S ये सब हैं। और इसके अलावा आप इसको वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अपन देखते हैं इसको बैटरी, इसके अंदर कितने एमएच की है। ये यहाँ से बैटरी निकाली, ये जो अपनी बैटरी है ये है 1900 mAh की बैटरी है, जिसका मॉडल नंबर है ENEL15B। इस बैटरी को यहाँ से डालते हैं अंदर, ये हो गया लॉक, इसको कर देते हैं वापस लॉक। और इसके अंदर इधर देखिए दो कार्ड स्लॉट है, दोनों के अंदर आप ये SD कार्ड लगता है। दो कार्ड लगा सकते हैं आप, ये यहाँ से लॉक, ये यहाँ पे पूरा ऐसा रफ टसिप किया हुआ है, और ये यहाँ पे प्लान है ये। और इस कैमरे को यहाँ से करते हैं ऑन, ये ऑन ऑफ स्विच, ये फोटो क्लिक के लिए, ये रिकॉर्डिंग के लिए स्विच, ये ISO, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर टेकिंग फोटोज़ रोटेट द जूम रिंग टू एक्सटेंड द लेंस। ये जो लेंस है ना, इसकी ये खास बात है कि इसको आप ऐसे, ये देखिए, ये इधर ऐसे करने से नहीं होता है, इसको आप हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा जोर लगा के, ये तभी ये इसका लॉक ओपन होगा। अब देखिए, और दूसरा ये जो डिस्प्ले है, ये यहाँ से डिस्प्ले बटन है, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले बटन, इसको क्लिक कीजिए, ये यहाँ से लाइव दिखना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाइव दिखना शुरू हो गया। ये अभी है फोटो मोड में, तो देखिए ये इसका कैप्चर के लिए है फ़ोटो, देखिए ये हो गया। अब ये यहाँ पे आप इससे वीडियो के लिए ऑन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये होने के बाद अब मैं आपको इन सब की ये डिस्प्ले यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस बटन को आप डिस्प्ले वाले को वापस प्रेस करोगे ना, तो ये यहाँ से, ये देखिए ये आया, ये मैनुअल मोड पे ही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी स्विच दिखा देता हूँ। ये जो ये रिंग है, ये आपको दिख रही है ये रिंग कैमरे के आगे, ये है अपना अपेसर बढ़ाने और कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और ये जो है दिया हुआ रिंग, ये अपने हैं स्पीड के लिए, ठीक है, शटर स्पीड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, ये अपने अपेसर के लिए नहीं है, ये मतलब अपेसर के जैसे ही होता है, ये परमानेंट फिक्स रहता है। जैसे कि जो अभी ये जो माइनस में करोगे तो फोटो थोड़ा लाइट कम आएगा, डार्क आएगा, और इसको प्लस में रखोगे जितना उतना लाइट आएगा, तो ये हो गया। अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, ये है रिकॉर्डिंग, ये है ISO के लिए, ये देखिए ये ISO, इसके अंदर ऑटो क्या है, इसको अपन मैनुअल रखना चाहिए, ऑटो में नहीं रखना चाहिए ISO। और इसके अलावा देखिए ये जो है, ये फ़ोटो के, ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको प्ले करेंगे तो ये जूम, ये जूम माइनस, ये प्ले बटन है, इससे अपन डिलीट कर सकते हैं। एक बार डिलीट दबाए, दोबारा दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, इससे प्ले से कैंसिल। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। अब ये जो बटन है मेनू, इसके अंदर हम अपन दिखाते हैं अभी सेटिंग। ये जो अभी आ रहा है, ये वीडियो की शूटिंग के लिए, मूवी शूटिंग, अपन करते हैं इसको फोटो शूटिंग में, ठीक है। इसमें ओके करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए ये रीसेट फ़ोटो शूटिंग मेन्यू, ये स्टोरेज फोल्डर का नाम है, ये फाइल नेम DSC से, ये रोल प्लेबैक बाय कार्ड इन स्लॉट टू, ये हो गया, ये इमेज एरिया, ये इमेज क्वालिटी। इसके अंदर देखिए JPG नॉर्मल, JPG बेसिक, JPG बेसिक स्टार ऐसा, JPG NEF रॉ प्लस JPG फाइन, NEF रॉ प्लस JPG फाइन,
NEF रॉ प्लस JPG नॉर्मल स्टार, ये नॉर्मल, ये बेसिक स्टार, ये बेसिक, ये सब रॉ है, ये ओनली NEF रॉ, ये JPG फाइन स्टार, ये JPG फाइन। अब इतने इसके अंदर मतलब इमेज क्वालिटी अपन रख सकते हैं, अपन रखते हैं JPG फाइन पे, ओके कर देते हैं, ठीक है। ये जो इमेज साइज है ये L लार्ज के अंदर आप इसका हाईएस्ट सेंसर 24.2 मेगापिक्सल काम करता है। इसके अंदर देखिए 6016x4016 का ये रिजोल्यूशन हाईएस्ट देता है, और मीडियम के अंदर आपको 4512x4512x3008 का रिजोल्यूशन देता है पिक्सल में, और 13.6 MB का 6 MP का हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा रिजोल्यूशन। और स्मॉल के अंदर देखिए 6 MP इसका सेंसर यूज होता है, और 3008x2008 का फाइल बनता है। तो इसको अपन रखते हैं लार्ज पे, और ये ISO सेंसिटिविटी सेटिंग है, इसको ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, जैसे ऑटो ISO सेंसिटिविटी है ना, इसको अपने को बंद रख। लाइटिंग कैमरा है, इसको आप मतलब लो लाइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो आराम से विदाउट फ्लैश। इसके अंदर इंटरनल फ्लैश भी नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो यहाँ इंटरनल फ्लैश आता है ना, ये देखिए आप कैमरे के अंदर, ये यहाँ पे इंटरनल फ्लैश इसके अंदर नहीं है, कंपनी ने नहीं दिया है, ऊपर से आप लगा सकते हो। ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल ऑफ रखना है, या ISO अपन अपने हिसाब से कर। वाइट बैलेंस है, इसको सेट करने से पहले अपने को ये सेट पिक्चर कंट्रोल पे जाना चाहिए। इसके अंदर अपन न्यूट्रल रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं, ये कार्बन, बिनारी, ग्रेफाइट, चारकोल, पिंक, रेड, ब्लू, सेपिया, टॉय, डेनिम, प्योर, मेलाक्लोनिक, ब्लीशेड, साइलेंस, ड्रामेटिक, सोमवार, संडे, पॉप, मॉर्निंग, ड्रीम, ये मतलब बहुत ऐसे, ठीक है। ये लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मोनोक्रॉप, विविड, ये मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ विविड पे। निकॉन के कैमरे के अंदर ये जो पिक्चर कंट्रोल है, इसको विविड रखने से फ़ोटो बहुत शार्प आता है, अच्छा फ़ोटो निकलता है, ठीक है। और वाइट बैलेंस के अंदर अब आप देखिए ये इतने हैं इसके अंदर भी, जो आप अपन के हिसाब से कर सकते हैं। आप ऑटो भी रख सकते हैं, लेकिन ऑटो रखने से फ़ोटो की क्वालिटी जो होती है ना, पिक्चर क्वालिटी, उसमें मज़ा नहीं आता। अब आप इसको है ना, ये जो कलर टेम्परेचर बोल सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से रखिए मस्त। फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसके अंदर देखिए कलर कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये अच्छा है कलर टेम्परेचर। उसके अलावा आप इसको ये जो प्रीसेट मैनुअल रहता है, इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। इसके अंदर रखने के लिए ये जो D1 D2 ऐसा कुछ रहता है, इसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये जो वाइट बैलेंस है, इसको ओके बटन प्रेस किया, अब ओके बटन प्रेस करोगे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ओके बटन प्रेस करने के बाद इसके ऊपर रख के इसको ये वाला बटन दबाना है, जिससे ये आ जाएगा। अब आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो ये, और ये देखिए ये टच में भी यूज होता है, और ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं हम कर देते हैं ओके। ये फ्लोरोसेंट है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए कूल वाइन पाया, इसको आप ओके किया और ये हो गया। इसके अंदर भी ये डायरेक्ट नहीं होता है, शेड वेड ये सब है, ठीक है। और ये इंसिडेंट है, इसके अंदर हाँ ये आया देखो, इंसिडेंट के अंदर आप देखिए ये जो दिया हुआ है, इसको आप, ये पहले आता था उसके अंदर प्रीसेट के अंदर, इसको आप जितना जिधर रखेंगे इसको उस टाइप का ये कलर आएगा। जैसे आप ये देखिए, आप ये दिख रहा है ना आपको अलग अलग कलर, ये देखिए मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ, ये देखिए ये ओरिजिनल कलर दिख रहा है। अब इसको आप किधर कितना ज़्यादा सही है वो आप उसके अंदर कर सकते हो, जैसे यहाँ ओके कर दिया तो यहाँ से ये ऐसे आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका वाइट बैलेंस।
वाईफाई और ब्लूटूथ, ठीक है। और इस साइड जो ये पोर्ट दिए हुए हैं, मैंने आपको उधर दिखाया नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे माइक, ये यहाँ से माइक कनेक्ट कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल माइक, ठीक है। और ये यहाँ से ईयरफोन, यहाँ से ईयरफोन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे यूएसबी एचडीएमआई केबल, ऑटो एंड मैनुअल लेंस के लिए, ठीक है। जैसे ये जो स्विच है ना, ये आप देखिए, ये किस लिए, देखिए ये यहाँ पे दबाया, ये अब सिर्फ व्यू फाइंडर ऑन है, ठीक है। अब ये देखिए मॉनिटर ऑन लिया, अब व्यू फाइंडर के अंदर नहीं दिख रहा है, देखिए। और अभी ये व्यू फाइंडर ऑन है, इसके अंदर ये दोनों है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले स्विच है। अब इसके अंदर अगर आप इधर देखोगे ना, ये देखिए सेंसर है, तो ये यहाँ आप आँख के नज़दीक लेके जाओगे तभी इसमें दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, ये अभी हटाओ नहीं दिखेगा, डिस्प्ले के अंदर ही दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक स्विच के लिए, ये देखिए। अच्छा कैमरा है, लो लाइट कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा है, इसके अंदर फोटो क्वालिटी शानदार है, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत शानदार कैमरा है, फ़ोटो क्वालिटी के अंदर शानदार है। आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त पीस है, बहुत ज़बरदस्त पीस है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।